आदाब जनाब। वी जोन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी के महाजरां दा आलमी दिन मनाया जांदा है। अक्वामे मुत्तहिदा दे मुताबिक हर साल 20 जून नो महाजरां दा आलमी दिन मनाया जान दी मंजूरी दित्ती गई है और इस दिन नो मनान वास्ते इब्तदा जड़ी सी 2000 साल दे विच होई सी। ते इस दिन नो मनान दा मकसद महाजरीन या पनाह गुजीन जिहड़े के जंगां दी वजह नाल नस्ली तासुब दी वजह नाल मजहबी कशीदगी दी वजह नाल सियासी तनाव दी वजह नाल या फिर इम्तियाजी सलूक दी वजह नाल अपना कारोबार छड़ के किसी दूसरी जगह पे नकल मकानी करते ने उना दे नाल इजहारे यकजहती दा ते उना नू दरपेश मसाइल जड़े ने उना दे बारे च शौर देन दे वास्ते 20 जून जड़ा वै ओ दिहाड़ जड़ा वै ओ इस वजह नाल मनाया जांदा वै। ते अज फिर इस तरीक दे हवाले नाल जून दा महीना में 20 तरीक है ते असी भी कौन गिमी टीवी यूके भी तुहाडी खिदमत च अज दे दिहाड़ दे वास्ते अवेयरनेस लैके हाजिर होया वै। अच्छा तुसी जानदी हो जदों 1947 दा टाइम सी ते 1947 विच लखां करोड़ां मुसलमान हिजरत करके पाकिस्तान मुंतकिल होए। फिर उदे बाद 1971 दे विच भी जदों बंगलादेश बन गया उदों भी हिजरत हुई बहारियां दे बिहारी जड़े ने उन्हां दे काफले पाकिस्तान आने जाने शुरू हो गए। फिर 1979 दे विच अफगानिस्तान दे विच जदों सोवियत यूनियन दे हमले हुए बाद दे विच होण वाली जड़ी खाना जंगी और उदे बाद फिर अमरीकी हमले हुए उदे बाद भी लखां अफगान महाजर भी पाकिस्तान आए। अच्छा इसी तरह जदों बरेसगीर पाको हिंद यानी कि हिंदुस्तान दी जदों तकसीम कीता गया ते उस तकसीम तो बाद भी बहुत सारे लोग जड़े ने ओ पाकिस्तान तो असल च ते ओ तकसीम जड़ी सी ओ पंजाब दी तकसीम सी उहदे च बहुत सारे पंजाबी जड़े सी ओ साडे वाले पासिओं पाकिस्तान वल्लों दूजे पासे गए और दूजे पासिओं बहुत सारे मुसलमान जड़े ने ओ साडे पाकिस्तान वाले पासे भी आए। और इहदे विच अगर देखा जाए जदों के मैं गल करदी पई सी अमरीकी हमले होए और उहदे बाद लखां अफगानी महाजर जड़े ने ओ पाकिस्तान आए ते पाकिस्तान च सब तो वड्डी तादाद जिहड़ी है पनाह गुजीना दी अफगानियां दी आ ते जिहदी तादाद च 30 लाख तो भी ज्यादा। अच्छा और जिहड़ी दुनिया दे किसी होर खिते दे मुकाबले च सब तो ज्यादा है। अक्वामी मुत्तहिदे दे मुताबिक अगर असीं देखिए ते इस अदारे ने UNHCR यानी के अक्वामी मुत्तहिदे अदारे बराए महाजरीन उदी एक रिपोर्ट दे विच दस्या गया है कि जिथे एक पासे दुनिया दी 80% महाजरीन दा बोझ तरक्की पजीर मुल्क जी जनाबे वाला तरक्की पजीर मुल्क उदा बोझ और गरीब मुल्क बर्दाश्त कर रहे ने ते दूसरे पासे बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्क भी महाजरीन दे बारे च अपनियां जिम्मेदारियां पूरियां कर रहे ने। अच्छा उहदे तों कर भी रहे ने ते उहदे तों उहनां दी रिपोर्ट दे मुताबिक उह अपना थोड़ा जिहा हिस्सा पॉजिटिव भी अदा नहीं कर रहे इह वी रिपोर्ट कह रही है। अच्छा उहनूं की कहिंदे ने पहलू तही कर रहे ने यानी उह उहनूं अवॉइड करदे पए ने। अच्छा उहदे वजह नाल महाजरीन दे मुखालिफ जज्बात नूं यानी कि महाजरीन जिन्ने भी ने जिहड़े रिफ्यूजीज ने उन्हां बारे जिहड़े जज्बात ने उह वी उभरदे पए ने की भला नैगेटिव जज्बात। अच्छा इस दिन दी हिसाब दे नाल मुनासिबत दे नाल पूरी दुनिया दे विच सारियां हुकूमतां नूं ते अवाम नूं इह पैगाम दित्ता जांदा है कि तारकीने वतन जिहड़े रिफ्यूजीज ने उह वी दूजे मुल्कां च अपने वतन वंगरा हक रखदे ने और उहनां दे नाल इहो जिहा बरताव ना कीता जाए जिहदी वजह नाल उहनां नूं अपने बेवतन होण दा एहसास होवे।
ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕੋਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ ਕੋਈ ਨਸਲੀ ਤਾਸੁਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗੁਫਤਾ ਗਿਮੀ ਨੂੰ ਗਿਮੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।